स्टूडेंट्स, हम लोग जॉस टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर के तरफ से तुम लोगों का रिक्वेस्ट में हम लोग जो कोविड-19 के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है और मैं उसके साथ तुम लोगों का जो रिक्वेस्ट में जो ऑनलाइन क्लास हम ले रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि तुम लोग भी हमारा ऑनलाइन क्लास हर दिन देख रहे हो और हर क्लास में हिस्सा ले रहे हो। तो तुम लोग को तो अभी तक पता चल ही गया है कि मैंने बहुत सारी क्लास लॉकडाउन के शुरू से ही लिए हैं और आज तक ले रहे। तो तुम लोग जो CPA अप्रैल में 2020 का जो बैच हो और कुछ महीने पहले एडमिशन लिए हो, तो तुम लोग का सेंटर में जितना तक हुआ था तो उसके बाद हम ये तुम्हारा जो सिलेबस है वो आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हो, ठीक है। तो पिछले जो क्लास में हम दिखाए थे तुम्हारा जो चैप्टर है, तो उसमें कैशबुक के बारे में हम कुछ बोल रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम कैशबुक क्या है, उसका कैटेगरी क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो भी हम समझाए। तो उसमें और कैशबुक लिखने में जितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और जिसके आधार पे हम कैशबुक लिखेंगे और कैशबुक में एंट्री करेंगे, उसका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में ही हम बता रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम कैशबुक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का कैशबुक का जो क्लासिफिकेशन दिए थे, उसमें हम कैश भाउचर का जो प्रोफॉर्मा दिए थे, बाद में आज हम कैश प्रोफॉर्मा ऑफ डेबिट भाउचर के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे और उसका प्रोफॉर्मा भी हम दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेबिट भाउचर। तो डेबिट भाउचर क्या है, किस कंपनी में क्यों ये मेंटेन करना ज़रूरी है, उसके बारे में हम तुम कह सकते हो ऐसे ही उसका जो डेफिनेशन है तुम ऐसे कह सकते हो कि इफ़ वी वांट टू पे और एक्सपेंस एनी इफ़ वी वांट टू पे आवर कैश फॉर एनी नॉमिनल एक्सपेंसेस और पेटी एक्सपेंसेस ऑन द डेली बेसिस एंड देन वी हैव डेली बेसिस बाय व्हिच डॉक्यूमेंट्स देन दिस टाइप ऑफ भाउचर आर कॉल्ड डेबिट भाउचर। तो डेबिट भाउचर में क्या होता है, ये हर दिन कंपनी में जितना एक्सपेंस हो रहा है, छोटा मोटा एक्सपेंस हो रहा है, तो उसमें जैसे टी एंड एक्सपेंसेस, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे पोस्टेज एंड स्टैम्प एक्सेट्रा, जो हर दिन ये कंपनी में ये होता है, तो उसमें जो डेबिट भाउचर इशू किया जाता है उसके रुपया के साथ साथ, क्रेडिट करने के साथ साथ, तो और किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये डेबिट भाउचर के एक प्रोफॉर्मा है। तो इसमें डेबिट भाउचर लिखा हुआ है और इसका भाउचर नंबर भी होता है, पे टू, इसका मतलब है किसको हम ये डेबिट भाउचर पेमेंट कर रहे हैं, ये कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो उस किस कंपनी में ये डेबिट भाउचर है। तो यहाँ पर उत्पल ट्रेडर्स एंड श्रीरामपुर होगी, इसका एड्रेस भी होना चाहिए, कौन सी डेट में ये डेबिट भाउचर इशू हो रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन का मतलब है किस कारण में ये डेबिट भाउचर इशू हो रहा है और कितना अमाउंट इसमें इन फिगर डेबिट भाउचर में इशू होता है, तो उसका भी यहाँ पर भी टोटल अमाउंट लिखना है और उसका इनवर्ड में लिखना है और कौन ये कैश इशू और कौन ये कैश अप्रूव किया हुआ है, आइदर मैनेजर और अकाउंटेंट और ओनर ऑफ दैट कंपनी, तो यहाँ पर इसका सिग्नेचर होना चाहिए और कौन ये रिसीव कर रहा है उसका भी यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो कंपनी में हर दिन जो एक्सपेंस हो रहा है
छोटा पेटी एक्सपेंसेस, तो वो डेबिट वाउचर इशू करने के साथ साथ ये एक्सपेंस होना चाहिए।